मेरा नाम रोजी है। मैं अपने रोज़ के रूटीन की तरह बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगी। मैंने बिजी अंदाज में मोबाइल निकालकर कॉल पिक करके कान से लगा लिया, साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखती रही थी। मेरी बहन की कॉल थी। उसने मुझे बताया कि घर में मेरे ससुराल वाले आए हुए थे। उसने मुझे उनके आने का बताया और कहा कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ। मैंने ठीक कहकर कॉल काट दी और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। जल्दी करने के बावजूद मुझे हाफ लीव लेते हुए आधा घंटा लग गया। सड़क पर पहुंचते ही मैं जल्दी से रिक्शा पकड़ी और घर का एड्रेस बताकर चलने को कहा और ख़ुद अपने मंगेतर को कॉल करने लगी। मगर हर बार की तरह इस बार भी मुझे मायूसी हुई। पता नहीं मेरा मंगेतर ऐसा क्यों करता था। वह सच में ही कहीं बिजी हो जाता था या जान पूछ कर मेरी कॉल नहीं उठाता था। इस बात का फैसला मैं आज तक नहीं कर पाई थी। 3-4 बार ट्राई करने के बाद मैंने मोबाइल बंद करके पर्स में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। मैं बहुत खुशी खुशी ड्राइंग रूम में गई, मगर अगले ही पल मेरी सारी खुशी उड़न छू हो गई थी। अब खुशी की जगह मायूसी ने ले ली थी। ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए और सलाम करते हुए अंदर गई और फिर एक मुस्कुराहट के साथ जाकर अपनी सास के पास। मेरा मंगेतर आज भी नहीं आया था। ना जाने उसे तंग करके क्या मिलता था। उसका ये बिना वजह का एटीट्यूड मेरी समझ के बाहर होता जा रहा था। ना तो वह कभी कॉल पर बात करता था, ना ही वह कभी मिलने आता था। मैं लड़की होने के बावजूद मैं उसे अपनी तरफ से कई बार बुला चुकी थी, मगर वह था कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। एक तरफ उसकी माँ और बहनें कहती थी कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई थी कि जिससे मैं मान लेती कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। मैं ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली देती थी कि हो सकता है वह शादी के बाद वाली मोहब्बत को अहमियत देता हो। और आज भी मैं यही सोचकर खुद को तसल्ली दी थी। मेरे ससुराल वाले मम्मी से मेरी शादी की तारीख लेने आए थे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं भी अब शादी करके जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी के जवाब में मेरे सारे अरमान पर पानी फेर दिया था। मम्मी ने उनसे कहा कि अभी हमारी शादी की तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं, इसलिए अभी कोई तारीख नहीं दे सकती। जैसे ही तैयारी पूरी होगी तुम्हें बता देंगे। मेरी सास ने जिद की थी, लेकिन मेरी नंद मेरी सास को समझाने लगी, क्या आंटी ठीक कह रही हैं, हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। आपको पता है कि तैयारियों में वक्त लग जाता है और उनके घर में तो कोई मर्द है ही नहीं। सारी तैयारियां इन्होंने अकेले ही करनी हैं, तो हमें इनको कुछ समय देना चाहिए। नंद की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह काफ़ी समझदार है। फिर चाय पानी के बाद वह लोग वापस चले गए। उनके जाते ही मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है कमाने वाला। अगर तुम्हारी शादी भी जल्दी कर दूंगी तो घर कौन चलाएगा। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं मम्मी की बातें सुनकर उनके गले लग गई। ठीक ही तो कह रही थी कि अगर 1 साल और इंतज़ार कर लेती तो मेरी बहन का ग्रेजुएट हो जाना था। इसके बाद मैं उसे अपने साथ ही टीचर की जॉब पर लगवा लेती। मैं भी 4 साल से स्कूल में जॉब कर रही थी। खैर, मैंने मम्मी को तसल्ली दी और उनसे कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं इंतज़ार कर लूँगी। और वैसे भी कौन सा मेरी उम्र निकली जा रही है, अभी सिर्फ 22 साल की तो हुई हूँ। 1 साल इंतज़ार करने से भला मैं कौन सी बूढ़ी हो जाती। बर्तन धोने के बाद मैं कमरे में आ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, मेरी बहन एकदम डरकर उछली थी। मैंने हैरानगी से उसको देखा। उसे आजकल बहुत ही ज़्यादा दौरे पड़ रहे थे, बैठे बैठे चौंक जाती और अक्सर घबराई सी रहती। मैं पिछले कई दिनों से उसका ये सब व्यवहार नोट कर रही थी और उसकी यूँ डरने की वजह जानना चाहती थी। मैंने उससे पूछा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरे सवाल करने पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और फिर कहा, दीदी वह मैं डरावनी कहानी पढ़ रही थी इसलिए डर गई।
मैं लगातार उसकी आंखों में देख रही थी, जिस तरह हकलाते हुए उसने जवाब दिया था। उसकी आंखें और उसकी ज़ुबान उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी। ज़रूर वह मुझसे कोई ना कुछ बात छुपा रही थी, मगर उस वक्त मैं बहुत थकी हुई थी। मैं और कुछ भी नहीं पूछा और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैं स्कूल के स्टाफ रूम में बैठी हुई मैं कॉपी चेक कर रही थी। उस दिन मैं सभी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी। मुझे सारे बच्चों की कॉपी आज ही पूरी करनी थी। स्कूल में जाने से पहले मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था। 2-3 घंटे के बाद कॉपी चेक करने के बाद स्टाफ रूम से बाहर आई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी की 2-3 कॉल्स आई थी और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन को लेकर यहाँ पर भी आई थी और वह बहुत रो रही थी, लेकिन आप डिस्टर्ब करने इसलिए बताया नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मम्मी को क्या हुआ था? मैंने फौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला जहां मम्मी की बहुत सारी कॉल आई हुई थी। मैंने फौरन मम्मी को कॉल मिलाई जो पहले ही बेल पर उठा ली। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ तो मम्मी ने रोते हुए मुझे घर आने को कहा। मैंने छुट्टी की बात कही तो मुझे छुट्टी नहीं मिली क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चलने वाले थे और मुझे वर्क करना था। अब मुझे दोपहर तक का इंतज़ार करना था। इस दौरान मेरा ध्यान लगातार मम्मी की तरफ लग रहा था कि वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे छुट्टी हुई, मैं बिना देर किए सीधे घर पहुंची जहां मेरी बहन के कमरे में उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं फौरन से उसके कमरे में गई। सामने का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने ही मेरी मम्मी बहन को बहुत ज़्यादा मार रही थी। मैंने जल्दी से जाकर बहन को मम्मी से छुड़वाया और पूछा कि ये सब क्या है, तो मम्मी कहने लगी इसी से पूछो, इतनी सी उम्र में ये मुँह काला करके आई है, कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मम्मी की बातें सुनकर जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं अपनी बहन की तरफ देख रही थी जो बार बार रोते हुए नामे सिर हिला रही थी और कह रही थी कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी बहन की हालत भी बहुत ख़राब थी तो मैं हैरत से अपनी बहन को देखे जा रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने सुना है वह सच है या फिर मेरे कानों का धोखा है। मैं सब कुछ झुटला देती मगर जो कुछ मेरी आंखें देख रही थी वे कैसे झुटला देती? ये कोई सपना या फिर मेरा वहम नहीं था, ये हकीकत थी। ये एक सैलाब था जो हमारी ज़िंदगी में घुल चुका था और अब ना जाने यह सैलाब हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सा तूफ़ान लेकर आने वाला था। मेरा नाम रोज़ी है और मेरी उम्र 26 साल है। यूपी के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। पिछले 4 साल से मैं अकेली रह रही हूँ। कभी मेरी भी फैमिली थी जिस पर मैं जान छिड़कती थी, मगर मेरी एक लापरवाही की वजह से मैं अपनी फैमिली को खो चुकी थी। कभी कभी हालात ऐसे सख्त हो जाते हैं जो आपके बस में नहीं रहते। अगर आप कोई चीज़ सही भी करना चाहें रहे हो तो वह आपसे गलत ही हो जाती है। ऐसे में हालात आपके खिलाफ ही होते हैं और ऐसे में अपनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमें भी अपनों की ज़रूरत होती है। मगर ऐसी हालत में जब अपने ही साथ छोड़ जाएं तो फिर कोई गिला नहीं किया जा सकता। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं 4 साल की थी जब मम्मी पापा अलग हो गए। मम्मी किसी और को पसंद करती थी लेकिन नाना ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा से करवा दी थी। सभी का यही ख्याल था कि मम्मी शादी के बाद सब कुछ भूल जाएगी, मगर मम्मी कुछ भी नहीं भूली थी, बल्कि चोरी छुपे उनका ताल्लुक उनसे बरकरार रहा था। मेरे पैदा होने का भी मम्मी को कोई असर नहीं हुआ। मेरे पैदा होने के बाद भी वह मेरी देखभाल नहीं करती थी, बस मुझे एक जगह छोड़कर इधर उधर लगी रहती थी। उन्हें मेरे रोने या हंसने की कोई भी परवाह नहीं थी। वह तो शुक्र था कि मेरी चाची इस घर में मौजूद थी जो मुझे एक मिनट के लिए भी रोता बर्दाश्त नहीं
कर सकती थी और मुझे उठाकर अपने साथ ले जाती है। एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती। पापा मम्मी की सारी हरकतों को जानते थे। उन्हें कई बार मम्मी को समझाने की कोशिश की, मगर मम्मी ने पापा के साथ रहना ही नहीं चाहा। बस मौका ढूंढ रही थी। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। उसी रात पापा किसी जरूरी काम से फंस गए और थोड़ी देर से घर वापस आए। तब मम्मी पापा के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी। पापा ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, मगर शायद अब समय ख़त्म हो चुका था। पापा की सारी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। तभी पापा ने खड़े खड़े अब मम्मी को तलाक दे दी थी। मम्मी तो जैसे पहले से ही तैयार खड़ी थी। उन्हें अपना सामान पैक किया, उठाया और एकदम घर से चली गई। उनके इस फैसले से वह दोनों तो बहुत सुकून में आ गए थे, मगर वह नहीं जानते थे कि उनका यह फैसला मेरी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर डालेगा। मेरी सारी जिम्मेदारी चाची पर आ गई थी, जिसकी वजह से चाची की अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। 3 साल के बाद पापा ने एक तलाकशुदा औरत से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके पति ने शादी के 6 महीने बाद ही उसे तलाक दे दी थी। शुरू शुरू में उनके पास जाने से मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैंने स्कूल में जो स्टेप मदर के बारे में जो कुछ सुना था वह सब अच्छा नहीं था। मगर वह औरत बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत थी। कुछ दिनों में उसने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी और मैं उसे मम्मी बुलाने लगी थी। मेरी और मम्मी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। चाचा अब शहर के बाहर रहते थे। उन्होंने चाची और चाचा को भी अपने पास बुला लिया था। अब घर में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा रहते थे। अगले साल ही मेरी छोटी बहन हुई थी। उसके आने से जैसे हमारी ज़िंदगी पूरी सी हो गई थी। सब कुछ हंसी खुशी गुजर रहा था। एक दिन हमारी ज़िंदगी में तूफान आया जो हमारा सब कुछ बहाकर ले गया। उस वक्त मेरी छोटी बहन सिर्फ 2 साल की थी और मैं 10 साल की थी, जब पापा को हार्ट अटैक हो गया। पापा मौके पर ही मर गए थे और हमारी ज़िंदगी को वीरान कर गए थे। सभी मेरी मम्मी को मनहूस और बुरा काम वाली कह रहे थे, जो पहले अपनी एक शादी ना निभा सकी और अब दूसरी शादी में अपने पति को ही खा गई। अब लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया था। ऊपर से चाचा से भी कोई बात नहीं हो रही थी। आखिर मजबूरन मम्मी को वह घर बेचना पड़ा और हम लोग वहाँ से गांव चले गए। घर के पैसों से मम्मी ने छोटा सा मकान खरीद लिया था और बाकी पैसे अकाउंट में सेविंग के तौर पर डलवा दिए थे। मेरा एडमिशन यहीं के एक स्कूल में करवा दिया गया था। सेविंग से हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। सेविंग की गई पैसों से सिर्फ 9 साल ही गुजरे थे। मम्मी को शायद अंदाज़ा था कि यह पैसे उतने ही चल पाएंगे। तभी वह साथ साथ लोगों के कपड़ों पर कढ़ाई करने लगी थी, मगर कढ़ाई के पैसों से कहाँ घर चलते हैं। मैं मम्मी को यूँ मजबूर देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की और एक स्कूल में नौकरी की। मैं टीचिंग जॉब करने लगी। इससे आगे की पढ़ाई मेरे बस के बाहर थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। जबकि अपनी छोटी बहन हीना का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था। मेरी कोशिश थी कि जैसे मेरी माँ ने मुझे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है, तो अब मेरा ये फ़र्ज था कि मैं हीना को अच्छी पढ़ाई करवाती और उसे एक बेहतर मुकाम तक पहुँचाती। उन्होंने मुझे नौकरी करने से बहुत रोका, मगर 20,000 महीना सैलरी थी। अगर मैं उसे समय मम्मी की बातों में आकर जॉब छोड़ देती तो इतनी अच्छी जॉब मुझे कहाँ मिलने वाली थी। फिर वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया और जब मैं 21 साल की हुई तो मेरा रिश्ता आया। छोटा सा खानदान था। एक बहन का एक लौता भाई था। बहन की शादी हो गई थी। अब घर में उसके माता पिता और वह खुद था। वह उसी गली के पीछे रहते थे। अच्छा खासा खाते पीते लोग थे। मम्मी को रिश्ता अच्छा लगा तो मम्मी ने उनसे शादी के लिए 1 साल का वक्त मांगा और मेरी एंगेजमेंट कर दी। मेरा मंगेतर एंगेजमेंट में सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, फिर किसी ज़रूरी काम का
कहकर चला गया था। मेरी नंद के जरिए हमारे नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे, मगर मेरे मंगेतर ने मुझे खुद से कभी कॉल नहीं की। शुरू शुरू में मुझे ये बात ज़्यादा महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे मेरे मंगेतर का इग्नोर करना मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर मैं बर्दाश्त कर जाती और कर भी क्या सकती थी। उन लोगों को दिया गया वक्त पूरा हो चुका था, वह लोग शादी की तारीख रखने आए थे और मम्मी ने कुछ समय और मांग लिया। इस पर मेरे मंगेतर ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। मेरी बहन अब 9th क्लास में थी और 13 साल की थी। मैं और मम्मी उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती हैं। हमने उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, वह बहुत लाडली थी। मगर मैंने जो आज खबर सुनी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूं। ना जाने हमारी परवरिश में कहां कमी हो गई थी, हमसे कहां भूल हो गई थी, जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मम्मी ने मुझ पर जो धमाका किया था, बहुत देर तक मैं अपने होश में नहीं रही थी। मम्मी ने कहा कि जब हिना स्कूल से वापस आई तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे चक्कर आ रहे थे, साथ में उसके पेट में भी दर्द था। तभी मम्मी ने मुझे कॉल की, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया तो मम्मी उसे लेकर अस्पताल गई। उसकी हालत देखकर डॉक्टर को कुछ शक हुआ तो उसने कुछ टेस्ट किए, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो डॉक्टर का शक सच में बदल गया। उसकी रिपोर्ट चीख कर मेरी 13 साल की बहन की माँ बनने की खबर सुना रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और अपनी बहन की तरफ गई ताकि उससे पूछ सकूं उसने ये हरकत क्यों की। उसने अपने किरदार पर इतना बड़ा दाग लगवा लिया और अभी मेरा सवाल मुंह में ही था जब वह अपनी जगह से एक झटके में उठी और रोते हुए कहने लगी कि मैं बेकसूर हूँ, मैं पाक दामन हूँ। ये कहते ही वह भाग गई और दूसरे कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। मैंने मम्मी को उठाया और उनको कमरे में ले गई। मम्मी किसी भी तरह से संभलने में नहीं आ रही थी, सदमा बहुत ही बड़ा था। मम्मी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई थी, मगर मुझे आराम से समझदारी से काम लेना था और इस परेशानी से निकलने के लिए कोई ना कोई हल निकालना था। मैंने कई बार जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसके साथ किसने जुल्म किया या फिर वह खुद ही, लेकिन एक इतनी छोटी सी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है, ये मेरी समझ से बाहर था। थक हार कर मैं अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही वह स्कूल जा चुकी थी। मैंने भी मम्मी को रिलैक्स रहने का बोला और स्कूल चली गई। पूरा दिन मेरा दिमाग ख़राब रहा, बदनामी का डर सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने अपनी एक कलीग को मसला बताया तो उसने मुझसे कहा कि अभी शुरुआत है, तुम अपनी बहन का अबॉर्शन करवा दो। मैंने घर जाकर मम्मी से और बहन से बात की, मगर मेरी बहन एकदम अकड़ गई। वह किसी तौर पर ऐसा नहीं चाहती थी, उसने ना तो बदनामी का डर था और ना ही अपने किरदार पर लगे दाग का, बल्कि बहुत सुकून से बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मैं सुकून से नहीं थी। अगर मेरे ससुराल वालों को इस चीज़ की भनक भी पड़ जाती तो वह रिश्ता ख़त्म करने के लिए एक सेकंड भी देरी ना लगाते। मुझे कुछ भी करके इस झंझट को ख़त्म करना था, क्योंकि यह सिवाय हमारे लिए बदनामी के कुछ ना था। जितना इस मामले को बढ़ाया जाता उतना ही हमारे लिए मुश्किल पैदा होती, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत गिरती जा रही थी। उसकी बदलती पीली रंगत किसी को भी शक में डाल सकती थी, इसलिए मम्मी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। वह पूरी तरीके से कमरे में बंद होकर रह गई। मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली कि वह किसी भी तरह ये दाग मिटा दे, लेकिन वह राज़ी नहीं हुई। मैं किचन में खड़ी दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करके मैंने एक गिलास में डाला और अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। शीशी में
अबॉर्शन की दवाई थी। मैंने वह शीशी खोली और दवाई गिलास में मिलाने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं किसी की जान लेने जा रही थी, लेकिन ये सब उसके भले के लिए ही तो कर रही थी। मैं अपनी बहन को यूं अपनी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती थी। अभी वह खुद बच्ची थी तो वह बच्चा कैसे संभालती, वह भी एक नाजायज़ औलाद को। लोग तो उसको ताने देकर ही मार डालेंगे। दुनिया ऐसी औरत को कहाँ जीने देती है। ये तो औरत भी नहीं थी, मैं उसे खुद पर इतना बड़ा जुल्म नहीं करने दे सकती थी, इसलिए मैंने दवाई मिला दी थी कि ऐसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दवाई गिलास में मिलने के बाद मैं शीशी बंद करके दोबारा जेब में डाली, फिर चम्मच लेकर दूध में अच्छी तरह दवाई मिक्स कर दी। दूध का गिलास लेकर अपनी बहन की तरफ जाने लगी। मैं सोच रही थी कि जो काम कर रही हूँ वह गलत है, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं तो बस इस परेशानी से छुटकारा चाहती थी ताकि हम सब पहले की तरह सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। मैं उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे जाकर दूध दिया और कहा कि इसे पी लो, मैंने अभी गर्म करा है। वह मेरे हाथ से लेकर दूध पीने लगी और अजीब नज़रों से देखने लगी। वह बहुत गौर से मेरी तरफ देख रही थी, मुझे उसकी नज़रों से डर लगने लगा। मैं उसे दूध पिलाकर अपने कमरे में आ गई। अब मैं रोज़ उसे दूध के ज़रिए दवाई की एक डोज देने लगी। एक हफ्ते में ही उसका नतीजा मिलना शुरू हो गया। हालांकि दवाई की पहली बार में ही मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, मगर शायद हल्की डोज की वजह से इतना वक्त लग गया था। उस दिन भी मैंने उसे दूध में दवाई मिलाकर दी और सोने के लिए कमरे में आ गई। सुबह उठ के स्कूल चली गई। सुबह मैं स्कूल जल्दी गई थी क्योंकि हमारी टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी जिसकी हमें तैयारी करनी थी। मैंने अपनी डायरी तैयार नहीं की थी जिस वजह से मैं जल्द ही चली गई थी। इस बात से अनजान थी कि मेरे पीछे घर में क्या होगा। उस दिन टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी तो इसलिए सब टीचर्स का फ़ोन लेकर ऑफ कर दिया गया। हम तकरीबन पूरा दिन बहुत बिजी रहे। 12 बजे मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं घर पहुंची। रात भी नहीं हुई थी बहन की टेंशन की वजह से, इसलिए नींद से मेरा बुरा हाल था तो मैं ऐसे ही मोबाइल लेकर बैग में डाल दिया और ऑन भी नहीं किया। घर पहुंची तो पूरी तरीके से सन्नाटा था, मुझे एकदम से परेशानी हुई। उस वक्त मम्मी और मेरी छोटी बहन थी और उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मेरी सेंस बार बार किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर गई। अंदर मम्मी को लूटे फूटे हाल में देखकर मेरी नींद एकदम उड़ गई। मैं फौरन भागकर मम्मी के पास गई। मम्मी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जब मम्मी थोड़ी संभली तो मैंने मम्मी से पूछा। अगले ही पल मम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और फिर मम्मी की अगली बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। मम्मी ने कहा, मैं कैसी पत्थर दिल हूँ, मैंने अपनी ही बहन की जान ले ली थी। मैं हैरत से मम्मी की बात सुन रही थी। मम्मी मुझे कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। मैंने तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार किया था, तुमने मेरी बच्चे को ही मार दिया, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी। मैं सफाई में कुछ कहने की कोशिश की लेकिन मम्मी ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मैं चुपचाप खड़ी मम्मी के इल्ज़ाम सुनती रही। मम्मी सही तो कह रही थी, मेरी दी गई दवाई की वजह से ही मेरी बहन मर गई, क्योंकि वह खुद भी बच्ची थी और दवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और ज़िंदगी की बाजी हार गई। मम्मी ने मुझे मेरी बहन का जनाजा नहीं देखने दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरे ससुराल वाले पहुंच चुके थे। सबको यही बताया था कि छिपकली वाला दूध पीने की वजह से, जहर की वजह से मेरी बहन की मौत हो गई। हकीकत से सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही वाकिफ थी। कुछ देर बाद मेरी बहन को दफना दिया और मुझे मेरी बहन के आखिरी दीदार से भी महरूम कर दिया गया। खैर, ज़िंदगी फिर अपने रूटीन पर आ गई।
इस बीच मैंने मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश की। दिन रात मेरी बहन मेरे सपनों में आती थी और मुझे अपनी जान का हिसाब मांगती थी। शुरू शुरू में मैं अपना वहम समझकर भूल गई, मगर अब मुझे सच में ख्वाब आने लगे तो मैंने फैसला किया थोड़े दिन के लिए यहाँ से दूर चली जाती हूँ। जगह के चेंजिंग से मम्मी भी अपने आप को थोड़ी सही महसूस करेगी। मैं उन सपनों की वजह से एक पल भी नहीं सो पाती थी। जाग जाग कर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हो सकता था कि जगह की चेंजिंग से सेहत पर अच्छा असर पड़ता। इसी सिलसिले में मुझे छुट्टियां लेने स्कूल जाना था, इसलिए मैंने घर का ताला लगाया। मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी तो इसलिए मैंने ताला लगाकर चाबी बराबर वाली आंटी को दे दी कि जब मम्मी आए तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा कि थोड़ी देर के लिए साथ आ जाओ, बच्चों के सिलसिले में कोई बात करनी है। ये सुनते ही प्रिंसिपल के साथ उनके रूम में चली गई। फिर वहाँ मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी तो मैं खुद को दिखाने के लिए अस्पताल आ गई। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर बेड पर पड़ी कम उम्र लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी जो दर्द कर रहा रही थी। मैंने खुद को गिरने से बचने के लिए बेड का सहारा लिया था। मेरी मम्मी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर मेरी बहन को बचाने के लिए दरख्वास्त कर रही थी। मैं पीछे थी इसलिए वह मुझे नहीं देख सकी। मम्मी को लेबर रूम से बाहर निकालकर डॉक्टर ने चेकअप शुरू किया और फौरन ही बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। एक घंटे ऑपरेशन के बाद मेरी बहन से निकलने वाला मेरे हाथ में था। वह कोई बच्चा नहीं था बल्कि रसोली का गुच्छा था जिसने मेरी बहन का पेट फुला बड़ा कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची एक बार मेरे पास आई थी, तब भी मुझे इस पर रसोली का शक था। मैंने इसके टेस्ट भी किए थे और इसकी रिपोर्ट रखकर इमरजेंसी केस में चली गई। वापस आई तो इसकी माँ गलती से इसकी जगह किसी और की रिपोर्ट ले गई और गलत प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। काश ये पहले आ जाती, इसे आज इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। मैं वह पैकेट पकड़कर सीधा मम्मी के पास गई। मम्मी मुझे देखकर एकदम से चौंक गई। वह तो मुझे घर छोड़कर आई थी, उन्हें मेरे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। मैंने वह रसोली वाला पैकेट मम्मी के हाथ में रख दिया। अपनी बेटी की हालत ये रसोली है जिसे आप बच्चा समझ कर 9 महीने तक उसके पेट में पालती रही थी। उन्होंने आपकी बेटी का सारा पेट जख्मी कर दिया है, वह कितनी तकलीफ में है आप जाकर देखें। मैंने मम्मी से कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर मम्मी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। शायद उन्हें मुझ पर शक था कि मैं उनकी बेटी को मार दूंगी और खुद ही अपनी बेटी की मौत का ड्रामा करके मुझे उससे दूर कर दिया। और एक मैं थी जो पिछले इतने महीनों से इस बोझ तले सो नहीं सकी कि मैंने अपनी बहन की जान ले ली। मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं मम्मी और बहन को वहीं छोड़कर उनको बताए बिना दूसरे शहर आ गई। उनके इस धोखे ने मुझे तोड़कर रख दिया था, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं तो जो भी कर रही थी उनके भले के लिए कर रही थी। वहाँ जाकर मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया था। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे जॉब मिल गई और साथ ही एक औरत ने मुझे अपने घर रहने का ऑफर भी किया था। अब मम्मी और छोटी बहन को उनके अकाउंट में पैसे भेजती रहती हूँ, लेकिन दोबारा कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने जा सकूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे मेरी रातों की बेचैनी याद आ जाती है जो मैंने अब अपनी बहन की मौत की खबर सुनने के बाद सही थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।